अथ तृतीय अध्याय भगवान के अवतारों का वर्णन। सूत उवाच। गृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडश काल मदलोक शिक्षया। श्री सूत जी कहते हैं, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महतत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। यस्यां भसि शयानस्य योग निद्रां प्रितन्वतः नाभि हृदाम्बुजा दासि ब्रह्मवेश्वर सृजंपति। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवरों में से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। यस्यावय वसंस्थान कल्पितो लोक विस्तर तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वमूर्जितम्। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप है। पश्यन्त्यदो रूप मद प्रचक्षुषा सहस्रपादो रुभुज ननत्रूतम् सहस्र मूर्धश्याम प्राक्षीनासिकम् सहस्र मौल्यंबर कुंडलोलसत। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्रों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्लसित रहता है। यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतेऽङ्ग नरदयः। भगवान का यही पुरुष रूप जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। स एव प्रथमं देव कौमारं सर्वमास्थितः खंडितम्। उन्हीं प्रभु ने पहले कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। द्वितीयं तु भवायास्य रसतल गतामहि उदरेशनुपादत यज्ञेश सौकरं वपुः। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में की गई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से सूकर रूप ग्रहण किया। तृतीय मेषि सर्गं च देवशीत्वमुपेत्य सह तत्रं सात्वतमाचष्ट नष्कर्म कर्मणां यतः। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में 3रा अवतार ग्रहण किया और सातवर तंत्र का, जिसे नारद पांचरात्र कहते हैं, उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन है। तुर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायण ऋषि भूतात्मोपाशमोपेत मकरो दुश्चरण तपः। धर्मपत्नी
मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नरनारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। पंच मह कपिलो नाम सिद्धेश काल विप्लुतम रोच सोर ये सांख्य तत्व ग्राम विनिर्णयम। पांचवें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। षष्ठे अत्रिरुपत्यत्व वृत प्राप्तो न सुयया अन्वीक्षे किमलकाय प्रह्लादादिव्य ऊचिवान। अनुसुईया के वर मांगने पर छठे अवतार में वे अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रह्लाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। सातवीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। अष्टमे मेरु देव्याम तु नभिर्जात पुरुक्रमः दर्शयन् वर्तुधीराणां सर्वाश्रमनमस्कृतम्। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभदेव के रूप में भगवान ने आठवां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग, जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है, दिखाया। ऋषि भैर्या चेतो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः दुग्धे मामौषधे विप्रस्तेनायं स उषतमः। ऋषियों की प्रार्थना से नवी बारवे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए शौनक आदि ऋषियों। इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था। इससे वह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। रूपम स जागृते मात्स्य चक्षुषोदधि संप्लवे नव्यारोप्य महिमय मोपाद्वैवस्त्वतम मनु। चाक्षुष मन्वंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में दसवां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठकर अगले मन्वंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। सुरा सुरा जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय ग्यारहवां अवतार धारण करके कच्छप रूप से भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। धन्वंतरम द्वादशम त्रयोदश ममेवच अपायाय सुरानन्य मोहिन्य मोहयन् श्रिया। बारहवीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और तेरहवीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। चतुर्दशम नारसिंहम विभ्रदैत्यन्द्रमूर्जितम् ददार करजैवक्षस्यैरकां तत्कृत्यथा। चौदहवें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकशिपु की छाती अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली, जैसे चटाई बनाने वाला सीख को ची डालता है। पंचदशम वामनकम कृत्वा गादध्वरं बले पदत्रयम् याचमानः प्रत्यादित सुस्त्रीविष्टपम्। पंद्रहवीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो थे त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल तीन पग पृथ्वी। सोलहवें परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया।
ततः सप्तदशे जात सत्यवत्यां पराशरा चक्रवेध तारुः शाखा दृष्ट्वा पुंसुल्प मेधसा। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर अपने आप ने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। हर देवत्व मापन्न सुर कायचि ईर्ष्या समुद्र निग्रहादीन चक्रे वीर्यं यतः परम्। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में राम अवतार ग्रहण किया और सेतु बंधन रावण वध आदि वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं की। विश्लेषो प्राप्य जन्मनि राम भगवान। 19वें और 20वें अवतारों में उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। ततकनो संप्रवृत्त सम्मोहाय सुरद्विषा बुद्धो नाम्ना जनसोत किंकटेषु भविष्यति। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में आपका बुद्ध अवतार होगा। अथासो युग संध्याया दस्यो प्रायेषु राजसु जनितवेषु यशसु नाम्ना कल्के जगत्पति। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल्कि रूप में अवतीर्ण होंगे। शौनक आदि ऋषियों जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं वैसे ही सत्यनिधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषयो मनवो देव मनुपुत्रा महोजस कलह सर्वे हरेरेव सप्रजापतयस्तथा। ऋषि मनु देवता प्रजापति मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं। एते चांश फलह पुंसक कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार अथवा कलावतार हैं परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान ही हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। जन तुह्यं भगवतो यतेत प्रयतो नरः सायं प्रातः गृणन् भक्त्य दुख ग्रामाद् विमोच्यते। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्रचित्र से नियम पूर्वक सायंकाल और प्रातःकाल प्रेम से इसका पाठ करता है वह सब दुखों से छूट जाता है। एतद्रूपं भगवतो यरूपस्य चिदात्मनः माया गुणैर्विरचितं महदादिभिरात्मनि। प्रकृत स्वरूप रहित जिनमें भगवान का जो यह स्थूल जगत आकार रूप है यह उनकी माया के महतत्व आदि गुणों से भगवान में ही कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रय में रहते हैं और धूल सर्प ना धूल में होता है परंतु अल्प बुद्धि मनुष्य बादलों के आकाश में और धूल सरपने का वायु में आरोप करते हैं वैसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जगत का आरोप करते हैं। अतः परम यद व्यक्त मव्युण गुण व्योहितम् अदृष्टा श्रुत वस्तुत्वात् सजीवो यत् पुनर्भवः।
इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो न तो स्थूल की तरह आकार आदि गुणों वाला है और न देखने सुनने में ही आ सकता है। वही सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है और इसी का बार बार जन्म होता है। यत्रे में यद सद्रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्यात्मानि कृते इति तत्र दर्शनम्। उपर्युक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपित है। जिस अवस्था में आत्म स्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। यद्योषो परता देवी माया विशारदीमती संपन्न एवेति वेद महिमनि स्वमहियते। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है, उस समय जीव परमानंदमय हो जाता है और अपनी स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित होता है। एवं जन्मानि कर्माणि यकर्तुर जनस्य च वर्णयन्ति स्मकावायु वेद गुह्यानि ऋत्पतेः। वास्तव में जिनके जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है, उन हृदयेश्वर भगवान के अप्राकृत जन्म और कर्मों का तत्वज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य हैं। समा इदं विश्वमामोघलीला श्रीजत्यावत्यति न सज्जते स्मिन् भूतेषु चान्तर हित आत्मतंत्र षड्वर्गीकं जिग्रति षड्गुणेश। भगवान की लीला अमोघ है। वे लीला से ही इस संसार का सृजन पालन और संहार करते हैं, किंतु इनमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञानेंद्रिय और मन के नियंता के रूप में उनके विषयों को ग्रहण भी करते हैं, परंतु उनसे अलग रहते हैं। वे परम स्वतंत्र हैं। ये विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं कर सकते। न चास्य कश्चिन्ने पुणेन धातु रवति जन्तु कुमनीश उति अमानि रूपाणि मनोवचो संत वतो नाथ चर्यामी वाग्य। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नट के संकल्प और वचनों से की हुई करामात को नहीं समझ पाता, वैसे ही अपने संकल्प और वेदवाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इन नाना नाम और रूपों को तथा उनकी लीलाओं को कुबुद्धि जीव बहुत ही तर्क युक्तियों के द्वारा नहीं पहचान सकता। दुरंत वीर्यस्य रतांग पाणे योमायया संतत यनुवित्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। चक्रपाणि भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है, उनकी कोई था नहीं पा सकता। वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी उससे सर्वथा परे हैं। उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीला के रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों की दिव्य गंध का सेवन करता है, सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता रहता है। शौनक आदि ऋषियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली तथा धन्य हैं, जो इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से भरे इस संसार में समस्त लोगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से वह सर्वात्मक आत्मभाव, वह अनिर्वचनीय अनन्य प्रेम करते हैं, जिससे फिर इस जन्म मरण रूप संसार के भयंकर चक्र में नहीं पड़ना होता। इदं भागवत नाम
पुराणं ब्रह्मसंहितं उत्तमश्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि। भगवान वेदव्यास ने यह वेदों के समान भगवत चरित्र छह परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। कन्यम स्वास्थ्य जनम तदिदम क्रायामास सुतमात्मतांवरम। उन्होंने इस श्लाघनीय कल्याणकारी और महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञानी शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। सर्वेदेतिहासाना सारम सारम समुद्रितम सतु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितम। इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार सार संग्रह किया गया है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया। पायपवेष्टं गंगाया परीतं परमर्षिभिः कृष्णेश्व धाम पगते धर्म ज्ञानादिभिः खलो नष्ट दृशामेश पुराणार्को धुनोदितः तत्र कीर्तयतो विप्र विप्रशिर्भुरि तेजसः अहं चाद्य गमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रह सोऽहं वा श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति। उस समय वे परामर्शियों से घिरे हुए आमर अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। शौनक आदि ऋषियों जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ इस पुराण की कथा कह रहे थे तब मैं भी वहाँ बैठा था। वहीं मैंने उनकी कृपा पूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धि ने जितना जिस प्रकार इसको ग्रहण किया है उसी के अनुसार इसे मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम प्रथम स्कंधे नैमिषीयो पाख्याने तृतीयो अध्यायः।